आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो अपडेट के बाद हर एक ग्रैंड मास्टर बंदा CS बोलो BR बोलो लेके खेल रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। ओके, तो गाइस हम लोगों का जो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो है गाइस 1v1 फाइट कॉम्बिनेशन। गाइस देखो, हम जब भी रैंक पुश करने जाते हैं तो गाइस ऐसा एक सिचुएशन आता है जब हम लोगों को 1v1 फाइट करना ही होता है, लास्ट में हो या फास्ट में हो, CS हो या BR हो। उस टाइम ना गाइस सबसे ज्यादा हम लोगों को हेल्प करता है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो इसलिए गाइस जब भी हम लोग 1v1 फाइट करते जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों के 1v1 फाइट जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सिर्फ करेक्टर कॉम्बिनेशन के मदद से। तो सवाल है क्या क्या करेक्टर ले सकते हैं अपन इस करेक्टर कॉम्बिनेशन में। गाइस इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है ओरियन करेक्टर, मिगल करेक्टर, मोको करेक्टर एंड जोटा करेक्टर। गाइस गारंटी के साथ बोल सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग कोई भी 1v1 सिचुएशन में ना इजिली सामने वाले बंदे को मार पाओगे। जैसे कि इस क्लिप पर आप लोग देख सकते हो सामने एनिमी है और मैं ओपी तरीके से ओरियन बन जा रहा हूँ। अगर नॉर्मली जाते तो बंदा मार देता, लेकिन ओरियन बन के जाने से बंदा मेरे को मार ही नहीं पाया और गाइस मैं फटाक से उसके सामने चला गया, उसको डैमेज भी दिया और लास्ट में जाकर उसको नॉक भी कर दिया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं कितने खतरनाक तरीके से बंदे को मार रहे हो और गाइस बंदा मेरे को थोड़ा सा भी मार नहीं पा रहा। उसके बाद इस क्लिप पर भी आप लोग देख सकते बंदे आ रहे थे, लेकिन मैं ओपी तरीके से इधर ही रुका और दोनों बंदे के सामने ओरियन बन के चला गया, लेकिन दोनों बंदे मेरे को कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा करके आप लोग कोई भी सिचुएशन में ओरियन की मदद से किसी को भी मार सकते हो। जैसे कि आप लोग क्लिप पर देख सकते हो मैं कितने इजी तरीके से बंदे को मार रहा हूँ। और इस कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है मोको करेक्टर। देखो मोको करेक्टर का ये फैसिलिटी है कि मोको करेक्टर की मदद से आप लोग बंदे को देख पाओगे, बंदा कहाँ पर पोजीशन लेके बैठा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उससे ना आप लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा बंदे को पूरा मारने के लिए। सो गाइस इस क्लिप पर आप लोग देख सकते हो बंदा मेरे सामने फाइट कर रहा था, उसके बाद बंदा को मैंने डैमेज दिया, बंदा इधर से भाग रहा था, लेकिन मैंने मोको का मार्क उसके ऊपर लगा दिया था और बंदा जहां से जा रहा था मैं देख रहा था बंदा कहां से जा रहा है और मैं इजी तरीके से उसके पीछे पीछे जाके डायरेक्टली मार दिया। उसके बाद इस क्लिप पर भी आप लोग देख सकते हो बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया और मोको का मार्क लगाया और बंदा इधर से भाग के इधर से भाग रहा था, तो मैंने इधर से इजिली जाके ना उसको एक स्प्रे किया, बंदा खत्म। तो ऐसे करके बहुत ही आसानी से मोको की मदद से आप लोग किसी को भी कहीं पे भी स्पॉट करके इजिली मार पाओगे। तो इसलिए मोको मस्ट बी इंपॉर्टेंट इस कॉम्बिनेशन में। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन में जोटा कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है गाइस, क्योंकि गाइस देखो जब भी आप लोग एक बंदे के साथ फाइट करोगे तो बंदा आप लोगों को थोड़ा बहुत डैमेज दे देगा, तो उस टाइम आप लोग जब भी बंदे को मार दोगे तो वो जो डैमेज है ना वो उसको मारने से आप लोगों का इंक्रीज हो जाएगा। जोटा कैरेक्टर का यही एबिलिटी है। तो इसलिए जोटा कैरेक्टर लेके जब भी आप लोग बंदे को मारोगे तो तुरंत आप लोगों का जो HP घट रहा था वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जोटा कैरेक्टर मस्ट भी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा हेल्थ कितना कम हो चुका है, ठीक है 92 है, और गाइस जब भी मैं बंदे को मारता हूँ मेरा हेल्थ तुरंत बढ़ जाता है 137। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कितने आसानी से मेरा हेल्थ बढ़ गया बस उसको मारने से। तो अभी जो भी बंदा आएगा उसके साथ मैं आराम से फाइट कर पाऊंगा। तो इस तरह गाइस इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप लोग कोई भी सिचुएशन में किसी को भी आराम से मार पाओगे। ओके, तो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारे दो नंबर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्लॉट में लेना है हुमर को, ठीक है। हुमर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। हुमर का एबिलिटी ऐसा था कि हुमर एक ड्रोन छोड़ता है और वो ड्रोन एनिमी के ऊपर टकराने के बाद सर्कल क्रिएट होता है। बस वो सर्कल अपडेट से पहले 3 मीटर तक था, अभी अपडेट के बाद 4 मीटर हो चुका है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है जो लोग हुमर कैरेक्टर को लेके खेल रहे हैं। ये तो था हुमर का एबिलिटी, ठीक है। अभी इस हुमर का एबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों को लेना है पैसिव कैरेक्टर में अल्वारो का एबिलिटी। गाइस ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है अभी के टाइम में, क्या ही बताऊं। जैसे कि पहले आप लोग इस क्लिप पर देख लो मैं कैसे हर एक स्क्वाड को आराम से मार रहा हूं बस ये दो कैरेक्टर के साथ। आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो मैं अकेला हूं, ठीक है, और गाइस मेरे पास हुमर कैरेक्टर है। ओके, तो सबसे पहले मैंने हुमर कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन किया और एकदम सामने जाके एक कवर लेके बैठ गया और सामने कवर में ना देखो पूरे के पूरे स्क्वाड थे। इधर मैंने हुमर कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन करने से उधर एनिमी के स्क्वाड के किसी बंदे को जाके हुमर का एबिलिटी टकराया और गाइस उन लोगों का जो मूवमेंट स्पीड है ना वो स्लो हो गया। तो उसी टाइम मैंने क्या किया, इधर मेरे पास एल्बर्टो कैरेक्टर मैंने ले रखा है, उसका यूज करके ग्रेनेड मार दिया और 3-3 ग्रेनेड जाके उनके ऊपर गिरा और सारे के सारे जितने भी बंदे थे कवर में सारे के सारे नॉक। उसके बाद आप लोग इस क्लिप पर भी देख सकते हो मैं सामने जाके ग्लोअल मार के कवर ले लिया। उसके बाद मेरा हुमर जो करेक्टर का एबिलिटी है उसको ऑन किया और जब भी हुमर का एबिलिटी जाके उस बंदे के ऊपर टकराया मतलब अटैक किया, उसी टाइम मैंने ग्रेनेड हाथ में लेके हुक करके उनके ऊपर मार दिया क्योंकि उनका मूवमेंट स्पीड स्लो हो गया था। और उस टाइम ग्रेनेड मारने से 3-3 ग्रेनेड जाके गिरा अल्वाइडो की मदद से। तो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे बंदे
बंदे नॉक हो गए, तो इधर जाके मैंने ओपी तरीके से बंदे को फिनिश कर दिया। तो गाइस सोचो, बस दो ही करेक्टर से इस कॉम्बिनेशन में इतना खतरनाक है, तो बाकी के और भी दो करेक्टर बाकी है, पैसिव करेक्टर जो भी है। गाइस इस कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए आप लोगों को सेकंड पैसिव स्लॉट में लेना है केली करेक्टर का स्किल। गाइस केली करेक्टर का आप लोगों को स्किल पता कि केली करेक्टर बहुत ही फास्ट भागती है, तो जब भी आप लोग ड्रोन यूज करोगे हुमर का, तो बंदे लोग जब स्लो हो जाएंगे तब ग्रेनेड मार के आप लोगों को फास्ट उनके सामने जाना होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, तो उधर जाके एकदम ओपी तरीके से उनको मारना होगा। तो इसलिए केली करेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसलिए केली करेक्टर मस्ट भी आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन में रखना ही होगा। उसके बाद गाइस इस कॉम्बिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एकदम सही से यूज करने के लिए गाइस आप लोगों को लास्ट में इस कॉम्बिनेशन में लेना है जोसेफ करेक्टर का स्किल। गाइस ये करेक्टर ना अपडेट के बाद इतना खतरनाक हो चुका है, क्या ही बताओ। पहले इसका एबिलिटी क्या था, पहले इसका एबिलिटी ये था कि इसको थोड़ा सा डैमेज लगने से ये बहुत ज्यादा मूवमेंट करेगा, लेकिन अपडेट के बाद आप लोगों को इसका एबिलिटी देखने को मिलेगा कि कोई भी मार्क करने वाला करेक्टर का एबिलिटी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। जैसे ही गाइस आप लोग इस क्लिप पर देखो, तीनों बंदे सामने हैं, मतलब A124 हुमर A124, ठीक है, तीनों मिलके मेरे ऊपर उनका एबिलिटी यूज किए, लेकिन मेरे पास जोसेफ करेक्टर था, देखो कोई भी एबिलिटी काम नहीं आया। आई इसको बोलते जोसेफ का पावर। तो इसलिए गाइस जोसेफ करेक्टर मस्ट भी इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस करेक्टर कॉम्बिनेशन को लेके गाइस आप लोग एक बार गेम प्ले करके देखो, खतरनाक गेम प्ले कर सकोगे। गाइस हर एक ग्रैंड मास्टर बंदा ये करेक्टर लेके CS बोलो BR बोलो खतरनाक तरीके से गेम प्ले कर रहा है। ओके, तो गाइस और एक कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ जो अभी के टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस कॉम्बिनेशन का ये गाइस इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप लोग गेम प्ले करते हो, आप लोगों को कोई भी बंदा डैमेज नहीं दे पाएगा, समझो। और गाइस आप लोग वो भी तरीके से पूरे स्क्वाड को अकेले वाइप आउट कर सकते हो, मतलब 1v4 के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ही है। सो गाइस इस कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक्टिव स्लॉट में लेना है कैंटा करेक्टर को। देखो गाइस कैंटा करेक्टर का एबिलिटी ऐसा है कि ये एक शील्ड प्रोवाइड करेगा जो एनिमी के डैमेज को 60% कम कर देगा, मतलब एनिमी अगर आप लोगों को 100 का डैमेज देता है तो वो डैमेज आपके ऊपर आएगा 40 का, समझ लो। और उसके बाद अगर आप लोग वेस्ट पहन रखे हो तो गाइस वो 40 डैमेज ना और भी कम हो जाएगा, और कम होके हो जाएगा 15 या 20, समझ रहे हो। तो ये तो था गाइस कैंटा करेक्टर का पावरफुल एबिलिटी, ठीक है। तो अभी कैंटा करेक्टर को और भी ज्यादा मतलब सुपर पावरफुल करने के लिए आप लोगों को इसके साथ कुछ ऐसे करेक्टर्स लेने हैं जो ना कैंटा करेक्टर का एबिलिटी को बहुत ज्यादा खतरनाक कर देगा। तब उसके सामने ना ओरियन करेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी करेक्टर फ्री फायर का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक हो जाएगा। मतलब बंदे लोगों का गन का एमओ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का HP खत्म नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन में कैंटा के साथ पैसिव करेक्टर में लेना है सानी करेक्टर को। भाई साहब सानी करेक्टर इतना खतरनाक करेक्टर है, जो यूज करता है वो ही जानता है, सीरियसली बता रहा होगा। क्योंकि सानी करेक्टर का एबिलिटी ऐसा है कि ये आपको ना 50 शील्ड पॉइंट देगा जब भी आप लोग कोई भी एक्टिव स्किल ऑन करोगे, और सिर्फ आपको नहीं गाइस आपके साथ जो भी टीममेट रहेगा शानी करेक्टर के सर्कल में उन लोगों को भी सेम टू सेम शील्ड प्रोवाइड करेगा ये शानी करेक्टर। गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो, बंदा मेरे को डैमेज दिया, मेरा डैमेज पहले कितना घटा, जो शानी करेक्टर का शील्ड है ना वो पहले घटा, उसके बाद मेरा HP खत्म हुआ, और गाइस इसके दौरान बंदे का जो एमओ है ना वो खत्म हो चुका था, और मैंने फटाक से बंदे को डैमेज देना स्टार्ट किया और ग्लास में बंदे को मार दिया। आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो गाइस ऐसे करके आप लोगों को भी सानी करेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद गाइस इस कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खतरनाक करने के लिए आप लोगों को लेना है इस कॉम्बिनेशन में एंथोनियो का करेक्टर स्किल। और एंथोनियो का स्किल आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को 40 HP शील देगा, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा जब भी आप लोग 1v1 फाइट करोगे, मतलब क्लोज रेंज में या लॉन्ग रेंज में जो भी है। तो गाइस जैसे कि आप लोग इस क्लिप पर देख सकते हो, बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, लेकिन गाइस आप लोग देखो मेरा एकदम भी HP खत्म नहीं हुआ, जो HP खत्म हुआ वो इस HP शील्ड से, मतलब एंथोनियो का जो शील्ड है ना उससे खत्म हुआ, ठीक है। और गाइस साथ में सानी करेक्टर है उसमें भी खत्म हुआ। तो आप लोग सोचो कितने खतरनाक तरीके से आप लोग कोई भी बंदी के साथ जब फाइट करोगे, तो ये जो शील्ड है ना ये आप लोगों को कितना मदद करेगा। उसके बाद गाइस इस कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खतरनाक करने के लिए आपको लास्ट में लेना है हायतो करेक्टर, नहीं तो जस्टिन वीवर करेक्टर। हायतो करेक्टर का एबिलिटी आप लोगों को पता है, जितना डैमेज आए तो खाएगा, उसके बाद हाया तो उससे ज्यादा डैमेज एनिमी को देगा। और जस्टिन बीबर का एबिलिटी ऐसा है
कि जस्टिन बीबर ईपी से एचपी में कन्वर्ट करेगा, जब भी बंदा आप लोगों को डैमेज देगा वो डैमेज बहुत ज्यादा कम लगेगा आपके ऊपर, अगर आप लोगों के पास जस्टिन बीबर होगा तो। सिर्फ आपको नहीं आपके टीममेट को भी कम लगेगा, इसलिए दोनों कैरेक्टर ही ओपी है, तो आप लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यही था गाइस आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।